और मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए देवेंद्र बबली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर से बबली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई गंभीर आरोप लगाकर जांच की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर बबली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरपंचों ने गांव में बनवाए गए अमृत सरोवरों का जिम्मा लेने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दी कि सरकार सरपंचों के सारे अधिकार वापस दे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में फिर विरोध किया जाएगा। सरपंच एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोप, प्रदेश में एक भी ऐसा सरोवर नहीं जो नियमानुसार कम्प्लीट हो। सभी के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ठेकेदारों को दिए गए। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप सरपंच लगा रही है। मंत्री और ठेकेदारों के मिलीभगत के आरोप। सरपंचों ने चेतावनी दी कि अगर कोई पार्टी बबली को शामिल करती है तो वे इसका विरोध करेंगे। हालांकि इस पर सरपंच एसोसिएशन का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जो अमृत सरोवर योजना का सेंटर की तरफ से हरियाणा सरकार के पास पैसा रिलीज हुआ था अमृत सरोवर योजना के नाम पर, और जो पूर्व पंचायत मंत्री थे हमारे, जो ई टेंडरिंग प्रणाली पर बार बार जोर देकर बोलते थे मीडिया के माध्यम से कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और इससे गुणवत्ता आएगी, आज हम बताना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ये अमृत सरोवर योजना के नाम पर 1800 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था, इसमें अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। तो हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से और महिपाल डाडा जी से, पंचायत मंत्री जी से, इसकी वो निष्पक्ष जांच करवाए तो सरकार को पता चल जाएगा कि ई टेंडरिंग प्रणाली के जरिए प्रदेश के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसे व्यक्ति से समझौता, और हम तो कहते हैं हर पार्टी को सोचना चाहिए, क्या पार्टियां ऐसे व्यक्ति को नुमाइंदा बना के उतारेंगी जो समाज में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, वो आम जनता को पता नहीं क्या क्या बोलता हुआ। आपने मीडिया के माध्यम से नहीं देखा, अधिकारियों को सरेआम गालियां दी जाती थी। कोई भी पार्टी हो, क्या ऐसे इंसान को अपना नुमाइंदा बनाना पसंद करेगी? अगर वो कोई भी पार्टी ऐसे व्यक्ति को अगर नुमाइंदा बनाती है तो उस पार्टी की सोच भी उसकी जैसी होगी। इससे पहले भी सरपंच एसोसिएशन बबली के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और चेतावनी दे चुकी है, बबली जिस भी पार्टी में रहेंगे उस पार्टी का विरोध करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो देवेंद्र बबली की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच एसोसिएशन जांच की मांग कर रहा है। सरकार क्या फैसला लेती है, क्या इस पूरे मामले पर जांच होगी? आपको बता दें कि जब सरकार गठबंधन में थी, बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के वक्त पंचायत मंत्री रहे हैं देवेंद्र बबली। गठबंधन टूटने के बाद अब ये जिम्मेदारी महिपाल ढांडा को दे दी गई है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब बबली के खिलाफ सरपंच एसोसिएशन हुआ हो, खिलाफ उनके ई टेंडरिंग मामले पर भी सरपंच के खिलाफ बबली के खिलाफ सरपंचों ने मोर्चा खोला था। उस वक्त बातचीत में भी बात नहीं बन पाई थी। उस वक्त बबली ने क्या कुछ कहा था और सरपंचों ने उस दौरान क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री जी अपनी ई टेंडर प्रणाली का गुणगान करते रहे, वो हमें कहते इसमें ये पार गुणवत्ता आएगी, ये गुणवत्ता आएगी, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है बिल्कुल भी। हम साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करने की है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम अपना आंदोलन जारी है और 1 मार्च का जो हमारा ऐलान है वो हम जारी है। 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर शालीमार ग्राउंड के अंदर 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है। हम चुने हैं प्रतिनिधि, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा। तो देखिए, आपने वो पुराने बयान भी सुने जिस दौरान सरपंच एसोसिएशन की नाराजगी जो है एक बार फिर से खुलकर सामने आई थी और एक बार फिर से मोर्चा जो है सरपंच एसोसिएशन ने खोल दिया है बबली के खिलाफ। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार सरपंचों की इस नाराजगी को, इस गुस्से को किस तरह से लेती है।
देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा मेरे साथ जुड़े हैं और जेजेपी से अजय गुलिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अजय गुलिया जी आपसे ही समझना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं यहां पर पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की, जिस तरह से सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर से खुलकर उनके लिए नाराजगी जाहिर की है और सबसे बड़ी बात है कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया है वो है अमृत सरोवर योजना में घोटाले का। आप किस तरह से, जेजेपी किस तरह से देखती है इस आरोपों को? आरोप लगाना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सरपंचों ने क्या सोच करके क्या उन्होंने सबूत लगाए, और हम तो एक बात मानते हैं अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उसकी जांच हो जाए और जांच में जो उसका दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा, लेकिन आरोप लगा देना कतई अल्प नहीं होता कि आप अपराधी है या आपने कोई काम किया। उन्होंने आरोप लगाया है, ये उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, सरकार की तरफ से जांच हो जानी चाहिए। मेरा ये मानना है, हम ये मानते हैं कि अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल स्पष्ट स्थिति लोगों के सामने हो। जी इस तरीके से देखिए, इस चीज को तो अभी आरोप लगाए, अब लोग ने आरोप लगाए तो मैं तो ना तो उनको प्रमाणित करता कि वो सही है, ना मैं ये कह सकता कि वो गलत है। तो ये मानते हैं कि अगर किसी ने आरोप लगाए तो उसके जांच होनी चाहिए और जांच में जो निकल करके आएगा वो सबसे सामने होगा। ना तो नेहा धवन जी जांच होनी चाहिए, ये खुद अजय गुलिया जी भी कह रहे हैं। अमृत सरोवर योजना आप बेहतर जानती होंगी इस योजना को, इसमें भी घोटाला हुआ है। अगर देवेंद्र बबली पर सीधे सीधे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं घोटाले के, तो आपको नहीं लगता ये सरकार पर भी हो रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, जहां पर भी इस तरह के भ्रष्टाचार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही स्टैंड रहा है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का अभी तक का अपना वादा निभाया है, और इससे पहले भी कोई भी शिकायत हमें मिलती है तो उस पर निष्पक्ष जांच करने का और उस पर कार्रवाई करने का हमने काम किया है। और अगर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान अभी जो आप बयान अपना दे रहे थे, और ऐसा कोई भी दस्तावेज उनके पास में है, कोई भी ऐसा प्रूफ उनके पास में है जिसमें पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नजर आता है, तो वो अपने पूरे दस्तावेज के साथ में सरकार को अपनी लिखित शिकायत भेजें। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से पूरा आश्वासन देती हूँ कि निष्पक्ष जाँच होगी और भ्रष्टाचार जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का बयान उन्होंने केवल बिना किसी आधार पर अगर देते हैं तो देखिए फिर तो पूरी पूरी राजनीति की बात आ जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना अपना जो एक नागरिकता का धर्म होता है वो भी निभाना जानते हैं। तो अगर उनके पास में कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ के साथ में सरकार से बात करें, सरकार के पास भेजें अपनी शिकायत, और इस पर पूरी जांच जरूर होगी और निष्पक्ष होगी। क्योंकि इससे पहले ऋषि जी हमने बहुत बड़े बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है, आप भी जानती हैं, आप बहुत टाइम से न्यूज कवर भी कर रही हैं, आपने भी देखा कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार के अंदर रहने वाले कई अधिकारियों पर भी हमने शिकंजा कसा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, और उनको उन पर कार्रवाई करके उनको निलंबित भी करने का काम हमने किया है, और हमारा कड़ा रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ऐसा अगर किसी भी सरपंच के पास में प्रूफ है तो उसे जरूर लाइए, उजागर करिए, सरकार आपके साथ है। ठीक है डिंगरा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब सरपंच एसोसिएशन ने भी क्लियर कर दिया है कि जो भी पार्टी समर्थन लेगी देवेंद्र बबली का वो उसका भी कड़ा विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। देखिए 1800 करोड़ के 88 सरोवर हैं जिनके जिसके ऊपर ये बात भ्रष्टाचार की चल रही है। अभी 1800 करोड़ रुपए का जो पैसे लगे हैं उसके ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, अब वो किस तरह से हुआ है ये एक जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है भाजपा की सरकार में इतने सारे भ्रष्टाचार की बातें हो क्यों रही थी, क्यों होने दे रहे थे उस समय, और क्यों चुप शांत बैठे थे? आज ये कह रहे हैं कि बबली जो है वो जेजेपी भी अपना मुखर हो रहे हैं, जेजेपी के अगेंस्ट भी और बीजेपी भी अगेंस्ट हो रही है,
तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि ये हो सकता पार्टी जेजेपी छोड़ते हो, और हम तो हमारा मकसद ये थोड़ी है, हमारा मकसद ये है कि सरकार के बीच में जो घोटाले हो रहे थे, एक तरफ तो सरकार मान नहीं रही और जो जब आरोप लग रहे हैं तो सरकार उससे भाग रही है, पल्ला झाड़ रही है। ये सवाल है कि जब आरोप लग रहे थे तो सरकार कहाँ थी? सरकार के पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स से सरकार अलग क्यों थी? उन पैरामीटर्स के अंदर सरकार ने पेमेंटें कैसे कर दी? उस सरकार उस नेहा धवन जी कह रही है कोई लिखित में शिकायत अब तक नहीं आई है इस तरह की कि घोटाला हुआ है। लिखित में किस तरह से शिकायत? देखिए कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसका ऑडिट होता है, उसके अंदर जो कार्रवाई होती है, उसके सिस्टम होते हैं कि अमाउंट किस तरह से, और जो सरपंच आरोप लगा रहे हैं वो आज से थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो कई देर से लगा रहे हैं आरोप। बिल्कुल, तो सरकार कहां सोई हुई है? सरपंच जो है, ये जो योजना बनाई गई थी ये सरपंचों का काम था पहले, उनको एलोकेट होती थी अमाउंट, उनसे वापिस लेकर के मंत्रियों को क्यों दी गई? क्यों मंत्री से डायरेक्ट अमाउंट देने लग गए और सरपंचों से पैसा छीन लिया गया? जो खेल तो ऐसा हो सकता है क्या, बड़ा घोटाला हुआ और सरकार को भनक तक ना लगी हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को, फिर सरकार का फिर छोड़ देना चाहिए अपनी जो सरकार जो होती है, अगर उसको यही नहीं पता चलता कि उसकी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं चल रहा, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा फिर? और हमारे इस तरह से कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ के घोटाले हैं, शराब जो है वो लुट गई थी, उसका घोटाला हुआ तो सरकार ने कहा कि हम SIT बिठाते हैं, वो SIT की जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? वो कहां गई रिपोर्ट? क्योंकि ये सरकार खुद ही मिली हुई है घोटालों के अंदर, इसीलिए उन जांचों की रिपोर्ट नहीं आ रही। ये सब घोटालेबाज सरकार है, भाजपा की भी और JJP की भी, इनके घोटालों की रिपोर्ट तो हम खोलेंगे जब हमारी सरकार आएगी, और फिर जेल में जाते हुए सभी नजर आएंगे। नेहा धवन जी, जेल आएगी, छोटा सा रिएक्शन फिर अजय गुलिया जी का करूंगी, कैसे घोटाले करते हैं। नेहा धवन जी, सरकार के समय में जमीनों के घोटाले हुए और कांग्रेस की बड़े नेताओं के दामाद को पूरा गुड़गांव बेच दिया गया, वो आज तक आपके पर्चे खुल रहे हैं और आपके बड़े नेता हुड्डा जी उसमें लिप्त नजर आते हैं और अभी तक उन पर कार्रवाई चल रही है कानूनी, अभी तक वो केस निपट रहे हैं। आपने किसानों की जमीनों को हड़पा, आपने इतने घोटाले किए, जवाब दे रही हूँ इनका, मेरा अधिकार है इनका जवाब देना, मुझे देने दीजिए जवाब। मैं ये किसी ने आरोप लगाया कभी भी भ्रष्टाचार का और उस पर कार्रवाई ना हुई हो हम हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय तो बताइए ना, जब कार्रवाई कोई बात आई भ्रष्टाचार की हमने कार्रवाई की, और जब सरपंचों की बात जहाँ तक आ रही है हम तो अभी भी तैयार है कार्रवाई करने के लिए, हम क्यों कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? मैं बताती हूँ ना आपको, क्या मालूम नहीं है आपकी खुद की जमीन भी हो सकती है, हो उस पर आप क्या बात कर रहे हैं? क्या हुड्डा जी पर जमीन का काम आपका वो नहीं चल रहा? लेकिन आज बात सरपंचों की नाराजगी पर हो रही है, आज बात सरपंचों द्वारा लगाए गए आरोपों की हो रही है। धवन जी, अपने किससे? तो इनके गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ना हम, कितनी जमीनें लूटी आपने गुरुग्राम में बताइए, 10 साल बताइए रही क्या करते रहे आपने किसानों को, 10 साल सरकार रही आप क्या करते रहे बताइए ना, 10 साल आप पूरे गुरुग्राम को बचाने के नाम पर बताइए, हम तो हमेशा कार्रवाई की, आपने कितनी कार्रवाई की अपने कार्यकाल में बताइए, आपने जो मुद्दे गिनवाए, जो बातें गिनवाई, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि अगर कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ भी है तो इससे BJP या JJP को तो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता भ्रष्टाचार करने का, घोटाले करने का। मैं तो इनकी बात का ये जवाब दे रही हूँ, जब इन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार के समय में भ्रष्टाचार हुआ और हमने कार्रवाई नहीं की, मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के समय में हुड्डा जी की सरकार के समय में कितने अधिकारियों पर कलम चली थी, उनके निलंबन की जरा बताइए, पूछिए, हमारे सामने अगर कोई बात आई तो हमने उस पर कार्रवाई की, हम कभी पीछे नहीं हटे, हमने जो वादा प्रदेश की जनता। ठीक है, मैं अजय गुलिया जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। अजय गुलिया जी, नेहा धवन जी ये साफ कह रही हैं कि लिखित में जैसे ही अगर कोई शिकायत मिलती है एक्शन लिया जाएगा, JJP पर या यू कहें आपके, देखिए आपकी पार्टी के ही विधायक रहे हैं तो उन पर इस तरह के बड़े आरोप लगना, एक्शन जरूर लिया जाएगा, वो भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि जिसमें चाहे कोई भी हो,
हमारे साथ आज हमने नहीं है, तो नायक जनता पार्टी से टिकट पर चुन करके आए हैं देवेंद्र बंदी जी और हरियाणा प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन क्या कोई भी हो, तो जब उन लोगों ने कांग्रेस के लोगों ने अनगल आरोप लगाए किशन जी के ऊपर भी, अभिजन नायक जनता पार्टी का कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई जांच होनी थी और जांच के अंदर बिल्कुल जो निकल करके आएगा कोई भी किसी भी बेकसूर को निर्दोष को सजा नहीं होनी थी। लेकिन डेप्यूटी सीएम तो आपके भी थे, जन नायक जनता पार्टी के ही थे ना, तो सवाल तो आप पे भी खड़े होते हैं। अब मैं तो पहले कहा, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि सवाल खड़ा करना, किसी ने अगर कोई सवाल खड़ा करा है तो ठीक है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता आप दोषी थोड़ी है। लेकिन साहब सरपंच एसोसिएशन कह रही है कि कोई भी पार्टी समर्थन लेती है अगर देवेंद्र बब्बी से, मैं फिर से आपसे सवाल दोहरा रही हूँ, तो उस पार्टी का भी विरोध होगा। अभी हमने देखा था देवेंद्र बब्बी से कुमारी शैलजा की मुलाकात भी हुई थी। नहीं आप एक चीज समझे कि मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, कुछ सरपंच एसोसिएशन फैसला करेगी उन्होंने। मैं ढींगरा साहब से सवाल पूछ रही हूँ, ढींगरा साहब है क्या लाइन पर? सुनिए सुनिए, समर्थन पर तो कोई बात ही नहीं हो रही, कौन किसको समर्थन ले रहा है, कौन किसको दे रहा है, कोई बात ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, है क्योंकि सरपंच एसोसिएशन ने ये साफ कहा है कि अगर कोई पार्टी देवेंद्र बबली का साथ देती है या देवेंद्र बबली का साथ लेती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो हम उस पार्टी का भी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ये खुद का है सरपंच एसोसिएशन ने। नहीं उसको तो सरपंच एसोसिएशन क्या कह रही है ये बात तो अलग है ना, लेकिन हम कम हमने कोई ना विरोध, हमने किसी का समर्थन नहीं लिया, किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए। हम ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार भाजपा और जेजेपी की सरकार में हुआ, क्या उसकी सरकार नायब सैनी की अब जांच करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है लिखित में शिकायत मिले। हालांकि आप कह रहे हैं कि सरपंच एसोसिएशन के बयान जो है वो इस चर्चा में नहीं उठाने चाहिए, मुझे नहीं लग रहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे नहीं, आपने बोला कि समर्थन साथ देने वाली बात पर आपने बोला तो सही, अभी बोला आपने। ठीक है चलिए, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी, केवल ढींगरा जी और अजय गुलिया जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है देवेंद्र बबली के खिलाफ और काफी कुछ यहां पर सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है और सीधे सीधे अमृत सरोवर योजना में भी घोटाले का आरोप उन्होंने देवेंद्र बबली पर लगाया है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने शहीदों के 371 परिवार के सदस्यों को नौकरी दी है, वहीं 2014 से पहले मात्र 6 शहीदों के परिवारों को नौकरियां दी गई थी। कैबिनेट के एजेंडे में 19 आइटम हमारे रखे गए थे और 19 के 19 आज अप्रूव हो गए हैं। सबसे पहला जो एजेंडे के अंदर विषय था कि हमारी सरकार ने पीछे जो हमारे शहीदों के परिजन थे, अनुकंपा के आधार के ऊपर उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया था। सरकार में कहीं पर भी आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है, दो और आज इसमें जुड़ी हैं,
ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में 29 जून को बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। इस दौरान केंद्र में शिक्षा मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी हरियाणा बीजेपी प्रदेश महामंत्री मोहन लाल कौशिक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में दी है। इस विस्तृत कार्यकारिणी की जो हमारी बैठक है उसमें रहेंगे, उनको हम आई कार्ड भी इश्यू करेंगे, पूरी तरह से सूचीबद्ध करके सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इस बैठक की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने जिला पंचकुला के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की कल बैठक की थी और पंचकुला जिला के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। अपने सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए हमने अलग अलग लगभग 25 विभाग बना करके सभी को उनकी ड्यूटियां जो है वो बांटी गई।